सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 10 सितंबर को पूरे देश में सभी मंदिर खुल गए हैं, जिससे अब भक्त भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। हमीरपुर जिला के उत्तरी सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में भी पहले दिन 191 भक्तों ने बाबा बालकनाथ के दर्शन किए और बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया। लेकिन इस दौरान बाबा बालकनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु प्रसाद पर रोक नहीं चढ़ा सके, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाना निषेध है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन दुकानदारों को रोजी रोटी के लाले पड़ना शुरू हो गए हैं। द्योटचित बाबा बालकनाथ मंदिर चैत्र मास मेलों के दौरान विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते बंद कर दिया गया था, जिस कारण स्थानीय दुकानदारों का खरीदा हुआ प्रसाद व रोट का सामान 6 महीनों में पूर्णतया खराब हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन सरकार द्वारा मंदिरों को खोलने के निर्णय से स्थानीय दुकानदार खुश हैं, पर मंदिरों में प्रसाद व रोट न चढ़ने से उन्हें रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। मंदिरों में प्रसाद और रोट न चढ़ने से दुकानदारों की आजीविका पूर्णतया बंद हो गई है। दुकानदारों ने प्रदेश सरकार से मंदिरों में प्रसाद और रोट चढ़ाने की गुहार लगाई है, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। वहीं स्थानीय दुकानदार तिलकराज ने मंदिर खुलने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से मंदिर बंद रहे, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। मंदिर खुलने से हमें बड़ी खुशी हुई जी, परंतु हम वेले बैठे थे 5-6 महीने से, नहीं हम बहुत मतलब हमारा सामान भी खराब हो गया, आटा चीनी वगैरह हमारा मैदा वगैरह सारा खराब हो गया। प्रशासन से तरफ से तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली। इतना जरूर हुआ प्रशासन के यहाँ से, बोलते 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राज कोष में दे दिया, पर दुकानदारों को 1 रुपये की भी सहायता नहीं मिली। ना मैं किसी ने पूछा, हमने कभी दिहाड़ी अब तक लगाई नहीं थी, तो अब लगानी पड़ी। अब हम बड़ी खुशी, अब मतलब प्रेस की सहायता से, प्रशासन की सहायता से, लोग सब की मंदिर खुला था, हमें खुशी हुई, चलो हम कुछ काम चलेगा हमारा। प्रसाद कैसा जी, सामने से यात्री जैसे पैसा ही चढ़ाता है, तो उसमें भी कोई कोरोना नहीं है, तो प्रसाद में क्या कोरोना होगा, तो वो अपना प्रसाद सामने से तो दिखा सकता है ना। जब पैसे या तो पैसा उन्हें चढ़ना चाहिए, जब पैसा चढ़ेगा तो प्रसाद भी चढ़ना चाहिए, क्योंकि यात्री सामने से दर्शन करेगा। तो हमारा ये है कि प्रसाद जो हुआ वो भी चढ़े सामने से, भोग लगाए यात्री, हम नहीं चाहते हैं गुफा में कोई ऐसा हो, सामने से वो भोग लगाए अपना अपने वापस ले जाए। स्थानीय दुकानदार देशराज ने बताया कि पिछले 6 महीनों से मंदिर बंद रहने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार के नियमों का पालन करते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद और रोट को चढ़ाने की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी का निर्वाहन हो सके। मतलब ऐसा है जी, बहुत अच्छा हुआ 6 महीने बाद जो हम बेरोजगार बैठे हुए थे, बिल्कुल कोई आमदनी नहीं थी, अब जो खुल गए तो हमारे भी दाल रोटी चल पड़ेगी। सरकार से मांगी है, मैं 6 महीने बैठे हुए थे, हमें ना पहले कुछ मिला है ना कुछ मिली, कोई सहायता नहीं मिली हमें कहीं से भी, ना मिलने वाली है, ना मिलने वाली है। हमें तो ये है कि चलो मंदिर खुल गए तो हमारी दाल रोटी चल पड़ेगी। वहीं स्थानीय दुकानदार राजीव कुमार का कहना है कि पिछले कई महीनों से मंदिर बंद है, जिसके चलते उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंदिर तो खोल दिए हैं, लेकिन मंदिरों में प्रसाद न चढ़ाने के आदेश दिए हैं, जिस कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मंदिरों में रोट और प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। सर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी राहत मिली हमें, 6 महीने तो सर हमारा जितना भी सामान था सारा लॉस्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, चीनी मैदा सूजी वगैरह सब खराब हो गया। 2-3 मौसम की मार पड़ी, पहले गर्मी की मार थी, फिर बरसात के मौसम में सारा सामान खराब हो गया सर। चलो मंदिर खुल गया, अब हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, यदि प्रसाद को चढ़ाने की इजाज़त भी दी जाए ऊपर, चलो गुफा में भोग ना लगाएं, कम से कम ऐसे ही बाबा जी की नज़र ही पड़ जाए, बाबा जी के दर्शन ही ऐसे ही इजाज़त मिल जाए, तो हमें फिर भी राहत मिल जाएगी। यही तुम्हारा रोजी रोटी है, और तुम्हारी रोजी रोटी कोई है नहीं जी। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार मंदिरों में चढ़ावा और प्रसाद चढ़ाना निषेध है। जो गर्भगृह में अलाउ नहीं होगा, लाइक अरेंजमेंट किया है उन्होंने, किस तरह से गेट नंबर 1 से स्टार्ट होके किस तरह से गेट नंबर 6 से उनको एग्जिट होके एक मंदिर में टेम्पल ऑफिसर के साथ और एसडीओ के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, और उन्होंने अपना एक पूरा प्रोविजन किया हुआ है। और मतलब किसी चीज़ को जिस तरह से चढ़ावा है या फिजिकल ऑफरिंग्स हैं जिसको बोलते हैं,
जो प्रसाद वसाद जिस तरह वो थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, पुजारियों से भी थोड़ा सा रखेंगे क्या SOP है वो, तो रिलीजन जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की तरफ से भी SOP आई उसी कंटिन्यू में हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ना कि जो फिजिकल ऑफरिंग जिसको बोलते हैं कि रोड वहाँ जाके चढ़ाना या पुजारियों को देना, वो फिलहाल हमने रखा हुआ है। दुकानें अपनी खोलें, दुकानों का एक अपना ओपन प्रोविजन है, लेकिन जिस तरह से वहाँ की जी मैं ला रहा हूँ कुछ चीज़ ला रहा हूँ फिर वहाँ चढ़ा रहा हूँ, या फिर पुजारी जी उसमें कुछ जो जल छिड़क मतलब होली जल छिड़कने का है, ये वो सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा हमने अभी रोका हुआ है जो SOP के अकॉर्डिंग परमिटेड भी नहीं है।